मॉर्निंग बैंक रिकॉन्सिलेशन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹12,500, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ऐड में होगा। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट को मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए मैं इसे दो बार नहीं पढ़ के डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही आपको समझा रहा हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं हम अपने आंसर शीट में। सेम स्टेटमेंट है और सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को लेके अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐड 12,500। ट्रांजेक्शन नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड एज पर एज रूल, क्योंकि मैंने रूल्स का एक ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, तो काइंडली आप लोग रूल को सबसे पहले कॉपी में लिख लेंगे ताकि मैं जो समझा रहा हूं वो आपको क्लियर समझ में आएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड होगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस होगा। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ में पेमेंट कर रहा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस होगा। बैंक चार्जेस, बैलेंस एज पर कैश बुक में लेस होगा। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, यानी कि ये कस्टमर जो है डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये ऐड होगा बैलेंस एज पर कैश बुक में 8,000। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक कस्टमर के बिहाफ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो ये बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैश डिस्काउंटेड डिस्काउंट रॉन्गली शोन इन द डेबिट साइड बैंक कॉलम, बैंक कॉलम यानी कि कैश बुक में, डेबिट साइड बैंक कॉलम यानी कि कैश बुक, बैंक कॉलम में डिस्काउंट के अमाउंट का एंट्री हो चुका है जो कि गलत है, इसलिए इसको वापस माइनस करेंगे, क्योंकि कैश बुक में डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, इसलिए इसको माइनस करेंगे 200। अब इस एड साइड का टोटल करते हैं, एड का कॉलम का टोटल है 28,500। 28,500 से माइनस किए 9,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 200, माइनस करने पे हमारा आंसर आया 14,000। ये जो 14,000 है ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि रूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप काइंडली सबसे पहले रूल को एक पेज में लिख लें ताकि जब मैं आपको ये सम समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आए। एक बार ऊपर से देख लें इसका आंसर। थैंक यू।